नमस्कार दोस्तों, आर एस विजाना स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में हम ये बोटनी गले का डिजाइन बनाना बताएंगे। लंबाई रखिए 14.5 इंच, जितनी रखनी है उससे 1 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा। शोल्डर बोटनी के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने शोल्डर लिया है 7 इंच, आर्म होल भी 7 इंच लिया है 34 साइज का, 32 और 34 36, इन साइज़ों के लिए नाप रख सकते हैं। लंबाई अपने हिसाब से ही रखनी है, छोटी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब देखिए, इस तरह से हमने गले की चौड़ाई ले ली है 4 इंच 2 पॉइंट। उसके बाद गहराई इसकी ले ली है 10.5 इंच। अब इस तरह से ऊपर से 2.5 इंच पर वो बोट गला कट किया है और नीचे जो आया है नीचे इस तरह मटके गले का निशान कर दिया है। तो बोटनी के मटके गले का ये डिजाइन है। अब इसे हमें निकाल लेना है बुकरम के ऊपर। तो देखिए, हमने बुकरम को बराबर से फैला कर रखा है और जहाँ से गले का निशान है कपड़े पर, वहीं से इस पर भी बना लेंगे। तो इस तरह से बना लेना है, दोनों तरफ से, यानी कि पूरा जो निशान है बना लेना है। अभी हाफ ही हुआ है, अभी वाली तरफ से कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। उसके बाद बाहर वाली तरफ से इसे कट कर देना है। बाहर वाली तरफ से हम इस तरह से इसे कट कर देंगे। 1 इंच बचाते हुए हमने कट कर दिया है। अब हमें लेना है अस्तर और कपड़े को जोड़ लेना है। तो ये अस्तर और कपड़े को जोड़ कर तैयार कर लेंगे, उसके बाद इसका जो गला है उसे बनाएंगे। तो इस तरह देखिए, सिलाई लगाने के बाद बाहर जो बार एक्स्ट्रा कपड़ा जितना आएगा, जो अस्तर के बाहर आएगा, उसे कट करके बराबर कर लेंगे। उसके बाद देखिए, इस तरह इसको बराबर से मोड़ते हुए एक सीधा निशान इस पर बना लेंगे। तो ये हमने बना लिया। अब जो गला कट किया है बुकरम के ऊपर उसको लेना है और कपड़े पर रखते हुए एक सीधी सिलाई इस पर हमने डाल दी है। अब बाहर वाली साइड से कपड़े को फोल्ड कर देना है। थोड़ा सा हमने 1/2 इंच बचा लिया है। उसके बाद उसी कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर देखिए, इसको मिलाकर रखना है बराबर से और जहाँ से गले का निशान है पूरे पर सिलाई लगा लेना है। तो हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब जो कपड़ा सिलाई लगाने के बाद अब इसे कट कर लेना है। तो इस तरह अब गले की कटिंग कर लेना है। तो मैं देखिए, इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद पूरे ही गले पर इस तरह से कट लगाएंगे। तो इस तरह हमने कट लगा दिया। कट लगाने के बाद ये बुकरम पट्टी को हमें अंदर की तरफ पलटना है और यहाँ पर देखिए, दोनों साइड से कपड़े को अच्छे से निकाल लेना है। तो इस तरह से इसे निकाल लेंगे और फिर पट्टी को हमें अच्छे से पलट देना है, फिर ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। तो देखिए, ये गला इस तरह से तैयार करने के बाद अब इस पर जो डिजाइन बनानी है उसे कट करना है। तो ये हमने डिजाइन ले लिया है। यहाँ पर 1.5 इंच का जो और कपड़ा ले लिया है, 1.5 इंच या 2 इंच का ले लेना है। छोटी छोटी ही डिजाइन ये लगेंगी, 1.5 इंच में हो जाएगा। थोड़ी सी बड़ी लेंगे 2 इंच तो भी सही रहेगा। तो इस तरह से इसे सिलाई लगा दिया है फोल्ड करते हुए, अब कट कर लेंगे। फिर देखिए, यहाँ पर अब ऐसे रखना है, ऊपर से हमें 1 इंच छोड़ देना है। वो 1 इंच छोड़ने के बाद अब इस तरह बराबर से रखते हुए सभी डिजाइनें एक बराबर से ही लगानी है।
तो बराबर से इस तरह रखते हुए देखिए सिलाई लगाते जाएंगे। तो हमने इस तरह से डिजाइनें लगा दी है। उसके बाद देखिए लेना है लेस, और लेस को यहाँ से लगाएंगे। अब यहाँ से देखिए गले वाली साइड से इसे 1 इंच 2 पॉइंट बाहर की तरफ दूरी रखते हुए पूरे पर एक बराबर से रखते हुए इसे लगा देंगे। तो देखिए जो डोरी दी है, डोरी से हमें इस तरह से डिजाइंस बनानी है। यहाँ पर छोटी छोटी सी डिजाइन है, जितनी बड़ी रखनी है उस हिसाब से इस तरह से बनाते चले जाएंगे। यहाँ पर जितना एक गैप लिया है दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा छोड़ेंगे, जैसे कि ये डिजाइन लेस में ना टच रहे, और इस तरह से इसको बनाते जाना है। तो ये डिजाइने देखिए हमने इस तरह से बना ली है डोरी से। अब यहाँ पर हमें इन डिजाइनों पर लगानी है एक एक मोती। यहाँ सभी डिजाइनों पर हम देखिए इस तरह से एक एक मोती करके लगा देंगे। और इस वाली डिजाइन पर भी लगानी है, और जो ये गले की तरफ लगाई है उसके दो डिजाइनों के बीच में जो थोड़ा सा गैप है वहाँ पर एक एक मोतियाँ लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मोतियाँ लगा दी है। मोती लगाने के बाद यहाँ पर देखिए इसी कपड़े से, जिस कपड़े से हमने डोरी और ये डिजाइंस लिए है उसी कपड़े से ये छोटा सा फ्लावर यहाँ पर बना कर ले लिया है। अब इस सेंटर मार्क मिलाते हुए इसको इस तरह से लगा देना है। तो इस तरह का फ्लावर हमने कई बार बनाना बताया है, तो यहाँ पर हमने बना कर ही ले लिया है। तो इस तरह से इसको अब लगा देंगे। अब यहाँ पर बीच में देखिए एक बटन लगा देनी है। तो हम लेंगे गोल्डन बटन और यहाँ पर इस तरह से बटन को लगा देंगे। बटन लगाने के बाद ये डिजाइन हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसका जो प्लेट्स बनाना रहेगा उसे बना देंगे। तो ये हमने बटन्स लगा दिया है, दोनों प्लेट्स बराबर से बना देंगे। और गले पर हम डोरी लगाएंगे। अगर आप डोरी नहीं लगाना चाहते तो दोनों साइड पकड़ कर सिलाई लगा दें, फिर वहाँ पर भी एक बटन लगा दें। तो इस तरह से प्लेट डाल दिया है, डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हो गया है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।